हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीक एक सीरीज़ शुरू की थी ऑन डिस्प्यूटेड आइलैंड्स। लास्ट वीक हमने आइलैंड किया था, दैट वाज कच्चा थीव आइलैंड। टुडे विल स्टार्ट विद चैगोस आर्किपेलागो। ये सीरीज़ अविकिपीडिया की तरफ शुरू की गई है उनकी तरफ से, और हमने सभी डिस्प्यूटेड आइलैंड्स वी हैव टू कवर। चलो आज शुरू करते हैं। बेसिकली व्हाट इज डिस्प्यूटेड आइलैंड, जस्ट टू रिकैप, डिस्प्यूटेड आइलैंड वो होता है जिसकी पोजेशन को लेकर दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा हो। डिस्प्यूट का कारण, देयर मे बी मैनी रीजंस ऑफ डिस्प्यूट, जैसे डिस्प्यूट कैन बी ड्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज लाइक रिवर्स, मिनरल्स। डिस्प्यूट कैन बी कल्चरल, रिलीजियस, एंड डिस्प्यूट कैन बी ड्यू टू वेग एग्रीमेंट्स। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी पहले सीरीज में, कच्चा थीव आइलैंड में। आप उसमें जाकर ध्यान से, यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन वॉच दैट वीडियो। इसके रेपरकशंस, इट कैन बी वॉर, इट कैन बी कोल्ड वॉर, इट कैन बी टेररिज्म, कुछ भी हो सकता है इसके रेपरकशंस। आज हम एक नया आइलैंड करने जा रहे हैं जिसका नाम है चैगोस आर्किपेलागो। ये इंडियन ओशन में है और इसमें डिस्प्यूट, देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन मॉरिशियस एंड ब्रिटेन। बहुत इंटरेस्टिंग आइलैंड बन चुका है, बहुत रेलेवेंस है इसकी आज की डेट में, विल अंडरस्टैंड। बेसिकली चैगोस, इसका पहला नाम था बेसास डी चैगोस। इसका जो पहला नाम था, और यह माना जाता है कि इस टाइम पे या इस जगह पे जो लोग रह रहे हैं, जो लोग रह रहे थे, दोज हु वर लिविंग ऑन दिस आइलैंड, दे वर स्लेव्स फ्रॉम अफ्रीका। अफ्रीका से स्लेव्स लाए गए थे। हमने ये देखना है, हु ब्रॉट देम फ्रॉम अफ्रीका टू दिस आइलैंड, कैसे आए, व्हाट वर देयर ऑक्यूपेशन एंड व्हाट लेड टू देयर डिस्प्यूट। दिस इज राउंड 500 किलोमीटर्स साउथ ऑफ मालदीव्स। उसके 500 किलोमीटर साउथ ऑफ मालदीव्स पे है और ये चैगोस लैकेटिव रिज पे सिचुएटेड है। और जो लोग उधर रहते थे अर्लियर, जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, उनको चैगोसिन बोला जाता है, और वो उनका एक बर्बनीस किरोल, दिस इज देयर लैंग्वेज एंड द लैंग्वेज एंड इट्स ओरिजिन इज फ्रेंच। मतलब जो लोग इधर पहले रह रहे थे उनकी लैंग्वेज का ओरिजिन भी फ्रेंच है। और इसका पहले नाम था बेसास डी चैगोस। बेसिकली इट इज कोरल अटॉल। टॉल मीन्स रिलेटेड टू कोरल्स, ये कोरल्स से बने हैं। अगर हम लोकेशन देखते हैं, यू कैन इजिली सी दिस इज वेरी क्लोज टू मालदीव्स, सीशेल्स एंड मॉरिशियस, उनके बीच में है। और ये चैगोस लैकेडिव रिज के बिल्कुल साउथ में सिचुएटेड है। लेट्स गो बैक टू हिस्ट्री। हिस्ट्री कैसे, 16th century में इट वॉज फाउंड बाय पोर्चुगीज़। 18th century में इट वॉज टेकन ओवर बाय फ्रेंच। फ्रेंच वालों ने व्हाट दे डिड, दे ब्रॉट अफ्रीकन स्लेव्स फ्रॉम अफ्रीका टू सेटल हियर। अफ्रीकन स्लेव्स वो लेकर आए, कुछ तो उन्होंने करना था। व्हाट दे डिड, दे डिड कल्टिवेशन ऑफ कोकोनट टू प्रोड्यूस कोपरा एंड फिशिंग। वॉट वॉज देयर कल्टिवेशन, वॉट वॉज देयर ऑक्यूपेशन, कोकोनट प्लस फिशिंग। फिर ट्रीटी ऑफ पेरिस वॉज साइंड, अंडर विच इट वॉज गिवन टू ब्रिटिशर्स, ये ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया। वी कैन से दैट कि ये राउंड 1903 या 1814 से बात करते हैं पहले, 1814 से इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। और बाद में सीशेल को सेपरेट कर दिया गया और इट वॉज लेफ्ट विथ मॉरिशियस एंड सेवन
अटॉल आइलैंड्स, जिनमें से चैगोस एंड डियागो गार्शिया दे आर द मेजर वंस। मीन्स सीशेल को हमने सेपरेट किया, उसके बाद सेपरेट करने के बाद मॉरिशियस और सेवन आइलैंड्स मॉरिशियस के साथ जुड़े रहे। वो मेजर, उनमें से मेजर आइलैंड था डियागो गार्शिया, ये वाला। अब इस आइलैंड की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इस आइलैंड की ये है कि दिस इज यूज्ड फॉर बेसिकली कल्टीवेशन ऑफ कोकोनट एंड फिशिंग। इकोनॉमिक इज कोकोनट प्लस फिशिंग। कोकोनट और फिशिंग को ज्यादा इनको लेकर इनकी सोर्स ऑफ इनकम, इट वॉज दैट प्रॉब्लम कब शुरू हुई? एज वी हैव सीन दैट इट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स सिंस 1814। उस टाइम पे कोलोनाइजेशन वॉज प्रिवेलेंट, सभी कंट्रीज कोशिश करे, मेजर वेस्टर्न कंट्रीज, दे वर ट्राइंग टू मेक डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज देयर कलोनीस। उनकी कोशिश थी कि हम इनको अपना एक कलोनीस बनाई जाए। इन्होंने सबको कलोनीस बनाया, बाद में दे ऑल कलोनीज दे स्टार्टेड प्रोटेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस, अपना प्रोटेस्ट शुरू किया उन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए, और सबको इंडिपेंडेंस साथ के साथ मिलती गई। 1965 में मॉरिशियस भी इंडिपेंडेंट हुआ। इंडिपेंडेंस मिली मॉरिशियस को, पर इसमें एक क्लिक था। मॉरिशियस को तो इंडिपेंडेंस दे दी इन्होंने, बट दे केप्ट चैगोस डी चैगोस आर्किपेलागो। इन्होंने कहा कि हम मॉरिशियस को इंडिपेंडेंट कर देंगे, पर चैगोस को विल नॉट लीव। एक डील वॉज साइंड बिटवीन मॉरिशियस एंड यूके, बिटवीन मॉरिशियस एंड यूके। उस डील के अकॉर्डिंगली 3 million pounds वॉज गिवन टू मॉरिशियस कि हम आपसे चैगोस रखेंगे आइलैंड, इट विल बी इन द कस्टडी ऑफ ब्रिटिशर्स, पर मॉरिशियस इंडिपेंडेंट हो जाएगा और वी विल गिव यू अराउंड 3 million pounds। व्हाट दे डिड, इन्होंने चैगोस आर्किपेलागो, व्हाई दे केप्ट इट, दे बेसिकली फॉर्म्ड इट एज ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी। दिस इज ओवरसीज टेरिटरी ऑफ ब्रिटेन एक्सटेंडिंग बिटवीन ईस्ट ऑफ अफ्रीका टू इंडोनेशिया। अगर आप मैप में ध्यान से देखेंगे, लास्ट में एक BIOT है, मीन्स दिस इज द टेरिटरी, ओवरसीज टेरिटरी ऑफ ब्रिटेन। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था रखने का? इनका ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये था कि एन एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन ब्रिटेन एंड USA कि हमें एक इंडियन ओशन में ऐसी एक प्लेस चाहिए जहाँ पे हम अपना इजीली कुछ ना कुछ लॉन्च कर सकें, मिलिट्री एडवेंचर्स के लिए भी या कुछ ऐसे के लिए भी। डिस्प्यूट इधर से शुरू हुआ। ब्रिटेन्स ने या ब्रिटिशर्स ने दे केप्ट चैगोस, मॉरिशियस को इंडिपेंडेंस दे दिया। मॉरिशियस गॉट इंडिपेंडेंस इन 1964-65। इशू ये था कि मॉरिशियस ने बाद में क्लेम किया कि हमें चैगोस वापस चाहिए। क्यों क्लेम किया? दो दे गॉट 3 million pounds। ऐसा क्या रीजन था कि उनको लगा कुछ प्रॉब्लम है? व्हाट हैपेंड? अगर उस टाइम के हम ऑफिशियल पेपर्स देखें, मॉरिशियस वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन सरेंडरिंग चैगोस। उस टाइम पे जो मॉरिशियस की इंडिपेंडेंस का मेन लीडर था, ही वॉज फोर्स्ड बाय प्राइम मिनिस्टर हैरल्ड विल्सन कि अगर आप नहीं दोगे तो वी विल नॉट गिव यू इंडिपेंडेंस। अगर आप हमें चैगोस सरेंडर नहीं करोगे तो हम आपको इंडिपेंडेंस नहीं देंगे। मीन्स दो इट इज सेट टू बी डील, बट इट वॉज फोर्स्ड डील। यू कैन से इट वॉज फोर्स्ड कि आपको देना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम आपको इंडिपेंडेंस बिल्कुल भी नहीं देंगे। अब यूके ने क्यों रखा इसको? वाई ब्रिटेन केप्ट इट? क्योंकि ब्रिटेन और यूएस के बीच में एग्रीमेंट था कि हम, यूएस ने कहा था कि हमें
एक इंडियन ओशन में ऐसी एक प्लेस चाहिए जहाँ पे हम यूनाइटेड स्टेट्स आर्म्ड फोर्सेस को कहने की पोजीशन कर पाएँ, इन केस कल कैसी ऐसी कुछ वॉर होती है तो इंडियन ओशन में किसी प्लेस को हम अपना प्लेटफॉर्म बना के वी कैन लीड द अटैक्स। फिर उन्होंने डियागो गार्शिया, एक आइलैंड है डियागो गार्शिया, अपना बेस बनाया यूएस ने, उधर अपने आर्म फोर्सेस अपने तैनात की, इन केस कभी फ्यूचर में जरूरत पड़ती है तो वी कैन अटैक। एंड दैट डील वाज फॉर 50 इयर्स टिल 2016, बाद में उसको 20 इयर्स का एक्सटेंशन दे देगी। मींस कि वो जो लीज एग्रीमेंट था बिटवीन यूके एंड यूएसए इट वाज फॉर 50 इयर्स, बाद में 20 साल के लिए हम इसको कर देंगे। अब वाई यूएस वांटेड टू मेक बेस ऑन दैट आइलैंड, आर्मी बेस ऑन दैट आइलैंड, क्योंकि उस टाइम पे अगर आपको याद हो दैट वाज अ पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर चल रही थी, इट वाज बिटवीन रशिया एंड यूएस, यूएसएसआर एंड यू कैन से यूएसएसआर एंड यूएस, जो दो वर्ल्ड्स बन गए थे, सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट वर्ल्ड्स। उस कोल्ड वॉर को किसी एंड तक तो लेकर जाना ही था उन्होंने, सो बोथ ब्लॉक्स दे वर ट्राइंग टू इंक्रीज देयर वेपन्स, मेक देयर प्रेजेंस इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। यूएसएसआर भी कोशिश कर रहा और इंडिया अपना यूएस भी कोशिश कर रहा था कि हर एक कॉर्नर पे हमारी प्रेजेंस होनी चाहिए। उस कोल्ड वॉर को देखते हुए अमेरिका ने इंडियन ओशन में अपना एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की और उन्होंने बनाया डियागो गार्शिया में। फिर उन्होंने आइलैंड को, नो डाउट इस आइलैंड को, इस प्लेटफॉर्म को उन्होंने यूज़ भी किया। अगर आप देखोगे 1990 और 1991 में जो पर्शियन गल्फ वॉर हुई थी, वहाँ से जो इनके एरोप्लेन्स या मिसाइल्स लॉन्च की, जो एरोप्लेन्स इनके चलाए गए, इट वॉज़ फ्रॉम डियागो गार्शिया। 2001 में अफगानिस्तान पे अटैक हुआ, इट वॉज़ फ्रॉम डियागो गार्शिया। 2003 में इराक में अटैक हुआ, इट वॉज़ फ्रॉम डियागो गार्शिया। मीन्स इनका एक हिडन ऑब्जेक्टिव था कि हमें एक इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस रख के किसी भी कॉर्नर में हम विजिट कर सकते हैं। आज की डेट में डियागो गार्शिया या चेगॉस पे यू विल फाइंड ओनली अमेरिकन्स एंड ब्रिटिशर्स, क्योंकि उन्होंने अपने आर्मी मैन दे हैव बीन मेड टू स्टैंड देयर, दे हैव बीन सेटल्ड देयर। जो मॉरिशियस और यूके की डील हुई थी उस टाइम पे जो चेगोसियंस थे दे वर फोर्स टू लीव चेगॉस आइलैंड एंड सेटल इन मॉरिशियस, उनको मॉरिशियस भेज दिया गया और उनकी जगह पे ब्रिटिशर्स और यूएस के आर्मी सोल्जर्स को तैनात किया गया। डीपॉपुलेशन बाय यूके, एंड हाउ दे डिड डीपॉपुलेशन, जो चेगोसियंस थे दे वर सेंट बैक टू मॉरिशियस। फिर ब्रिटेन ने एक मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया बनाया अंडर विच फिशिंग वॉज नॉट अलाउड अराउंड दीज आइलैंड्स। ये बेसिकली दिस इज अ ग्रुप ऑफ 7 आइलैंड्स, आर्किपेलागो, वी आर सेइंग आर्किपेलागो, आर्किपेलागो मीन्स समथिंग विच इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, चेगॉस इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, दिस इज आर्किपेलागो। इसके अराउंड मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया बनाकर फिशिंग हैज बीन स्टॉप्ड। बाद में लीगल एंगल्स अगर हम देखें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसको लेकर गए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्लियरली कह दिया कि जो मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया दिस इज इलीगल, मींस दैट हैज बीन चैलेंज्ड। बाद में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यह भी कहा यूके को कि आप इस आइलैंड को वकेट कर दो, क्योंकि दिस इज अनलॉफुली एक्वायर्ड, क्योंकि उस टाइम पे अगर डिकोलोनाइजेशन हो रही थी अंडर यूएन लॉ, उसमें ये कहा गया था कि व्हेन डिकोलोनाइजेशन वुड बी डन नो टेरिटरी वुड बी डिवाइडेड, किसी को डिवाइड नहीं किया जाएगा। मॉरिशस को डिवाइड किया गया, सीशेल्स एक इंडिपेंडेंट कॉलोनी बनाएगी, डियागो गार्शिया चेगॉस अपने मॉरिशस से दिए गए, विच वॉज फाउंड टू बी इलीगल एंड अनलॉफुल। आईसीजे ने कह दिया कि ना आप मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया रख सकते हो, बना सकते हो, ना ही यू कैन कीप चेगॉस।
ब्रिटेन ने इस बात को एडमिट भी किया, हाँ दिस इज अनलॉफुल डिटेंशन। यूके की अंडरस्टैंडिंग भी यही कह रही है कि यूके एडमिट कर रहा है कि हाँ हमने अनलॉफुली और इलीगल इसको अपने कंट्रोल में रख रखा है, पर उन्होंने ये एडमिट किया। उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि हम इसको तब वेकेट करेंगे व्हेन वी विल फील दैट देर इज़ नो नीड ऑफ डिफेंस पर्पसेस, देर इज़ नो नीड ऑफ दिस आइलैंड फॉर डिफेंस पर्पसेस, हम तब तक इसको वेकेट नहीं करेंगे। इंडिया का एक स्टैंड, क्योंकि इंडिया भी एक टाइम पे ब्रिटेन की कलोनी रहा है, इंडिया ने क्लियरली कह दिया कि विल स्टैंड बाय द क्लेम ऑफ मॉरिशियस, विल स्टैंड बाय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वी डू नॉट सपोर्ट इलीगल और अनलॉफुल पोजेशन ऑफ दिस आइलैंड बाय अमेरिका एंड ब्रिटेन। इंडिया क्लियरली मॉरिशियस के साथ अपना स्टैंड सपोर्ट कर रहे हैं। बेसिकली दिस इज चेगोज, अगर हम इसको एक बार दोबारा रिकैप करते हैं, उसका पहला नाम था बेसिस डी चेगोज, दिस इज कोरल आइलैंड, 16th सेंचुरी में इट वॉज ऑक्यूपाइड बाई पोर्चुगीज, देन इन 18th सेंचुरी बाई फ्रेंच, दे ब्रॉट अफ्रीकन स्लेव्स, डिड कोकोनट एंड फिशिंग, देन ट्रीटी ऑफ पेरिस वॉज साइंड बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स 1814 में। उस ट्रीटी ऑफ पेरिस के अकॉर्डिंगली ब्रिटिशर्स वर द मेन ऑक्यूपेंट्स ऑफ या मेन ब्रिटिशर्स बेसिकली रूल्ड ओवर दैट आइलैंड। बाद में 1965 में जब इंडिपेंडेंस की एक रेवोल्यूशन सा चला, उस टाइम पे मॉरिशियस गॉट इंडिपेंडेंस, पर उस इंडिपेंडेंस में मॉरिशियस वॉज डिवाइडेड इन टू मॉरिशियस एंड टू आइलैंड्स, मॉरिशियस इंडिपेंडेंट कर दिया गया और चेगोस और इसके ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को ब्रिटेन के अंडर रख लिया गया। वो क्यों रखा गया, क्योंकि इट वॉज डील बिटवीन यूके एंड यूएसए, यूएसए वॉन्टेड बेस, यूएसए बेस क्यों चाहता था, क्योंकि उस टाइम पे कोल्ड वॉर का टाइम था, कोल्ड वॉर मीन्स देर वॉज कोल्ड वॉर वॉज गोइंग ऑन बिटवीन यूएसएसआर एंड अमेरिका, और यूएस चाहता था कि हमारे इंडियन ओशन में कोई ना कोई प्रेजेंस हो। धीरे 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 इन्होंने ब्रिटेन ने एक अपना मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया बना लिया, मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया में दे बैंड फिशिंग, अल्टीमेटली दिस होल ऑक्यूपेशन एंड मैनी मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया वॉज चैलेंज इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्लियरली कह दिया कि दिस कन्फाइनमेंट इज इलीगल और इसको आप ज़्यादा देर नहीं रख पाएंगे। ब्रिटेन ने भी एडमिट किया कि हाँ दिस इज इलीगल, हम इसको जब देर इज नो नीड फॉर डिफेंस पर्पसेज विल वैकेट इट। आज की डेट में इसका ये स्टेटस है कि इस आइलैंड पे ब्रिटिशर्स एंड अमेरिकन सोल्जर्स आर रिजाइडिंग, और वो कह रहे हैं हम उसको तब वेकेट कर देंगे जब इसकी रिक्वायरमेंट डिफेंस पर्पस के लिए बिल्कुल भी नहीं होगी। थैंक यू, हम अगली बार एक नया आइलैंड विल कम आउट विद न्यू डिस्प्यूटेड आइलैंड, उसको अच्छी तरह बताने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, थैंक्स।